नमस्कार। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपके अंदर विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। बिना विनम्रता के आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। आपके अंदर विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप विनम्रता रखोगे ना, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी बड़ी आसानी से कर लोगे। कुछ भी ट्रबल नहीं आएगी आपको। विनम्रता से कैसे जीता जाता है, एक छोटा सा वृतांत है रामायण का, मैं आपको बताता हूं। जब रामायण में लक्ष्मण जी और मेघनाथ का अंतिम युद्ध चल रहा होता है, तब लक्ष्मण जी सुबह सुबह भगवान श्री राम के पास में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं विजय का। उस वक्त भगवान श्री राम महादेव की आराधना कर रहे होते हैं। तब भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि अभी युद्ध होने में कितना समय बाकी है। तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान अभी थोड़ा समय बाकी है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ कुछ भिक्षा मांग कर लेके आओ, लेकिन भिक्षा उसी से मांगना जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिले उससे ही भिक्षा मांगना। अब वहाँ सब अचरज में पड़ जाते हैं कि यार क्या आज अंतिम युद्ध है, लक्ष्मण और मेघनाथ का, और भगवान श्री राम विजय का आशीर्वाद न देकर इनको भिक्षा मांगने के लिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन आदेश तो आदेश था, आदेश मानना था। लक्ष्मण जी जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, और सबसे पहले उन्हें मिलता है रावण का एक सैनिक। लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, भगवान श्री राम का आदेश होता है, और वो सिर झुकाकर रावण के सैनिक से भिक्षा मांगते हैं। रावण का सैनिक कुछ भिक्षा देता है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी वो भिक्षा लेकर श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके बाद में भगवान श्री राम लक्ष्मण को विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। फिर भयंकर युद्ध शुरू होता है लक्ष्मण जी और मेघनाथ का। चारों तरफ से भयंकर बाण चलाए जाते हैं, लेकिन अंत में मेघनाथ अपने दिव्यास्त्र चलाता है लक्ष्मण के ऊपर। उसमें से ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र और सुदर्शन चक्र, ये तीनों अलग अलग लक्ष्मण जी के ऊपर चलाता है, और लक्ष्मण जी के पास में इसका कोई काट नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सिर झुकाकर उन दिव्यास्त्रों को प्रणाम करते हैं, और वो दिव्यास्त्र लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देके वापस चले जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का ध्यान करके बाण चलाते हैं मेघनाथ के ऊपर, और मेघनाथ हंसता है उस बाण को देखकर, और उसी वक्त वो बाण आकर मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वापस शाम को जब भगवान श्री राम महादेव की पूजा कर रहे होते, तब वही क्वेश्चन सबके दिमाग में घूमता है कि आखिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भिक्षा के लिए क्यों भेजा था। तो हनुमान जी भगवान श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु, आपने लक्ष्मण जी को सुबह सुबह आशीर्वाद देने की बजाय भिक्षा लेने के लिए क्यों भेजा। तो भगवान श्री राम हंसते हैं और कहते हैं कि हनुमान, मैं जानता हूं लक्ष्मण बहुत क्रोधी हैं। लक्ष्मण को इस भिक्षा के माध्यम से मैंने विनम्रता सिखाई। लक्ष्मण उस सैनिक, रावण के सैनिक के पास जाकर विनम्रता से भिक्षा मांगी। अगर लक्ष्मण में विनम्रता नहीं होती, मेघनाथ जब दिव्यास्त्र चलाए और लक्ष्मण अगर उस वक्त क्रोध हो जाता और अगर बाण चला देता, तो दिव्यास्त्र लक्ष्मण को खत्म कर सकते थे। लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता अपनाई, वहां झुका दिव्यास्त्र के सामने, और दिव्यास्त्र उनको लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर वापिस चले गए। तो अगर यह विनम्रता लक्ष्मण नहीं रखता, तो आज लक्ष्मण जीवित नहीं होता। और जब लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण चलाया मेघनाथ के ऊपर, और मेघनाथ भी उस वक्त विनम्रता रखता और झुककर मुझे प्रणाम कर देता, तो शायद मैं मेघनाथ को माफ कर देता। तो यह अंतर होता है विनम्रता और क्रोध में। विनम्रता से बड़े और छोटे से छोटे कार्य भी किए जा सकते हैं। अगर आप जीवन में विनम्रता रखोगे ना, तो आप कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे। विनम्रता से बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। इसी के साथ मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।